आ चुका हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। तो मैं क्यों वीडियोस नहीं डाल रहा था, मैंने एक रीज़न उसके एक वीडियो में बताया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जो वो वीडियो को देख चुके हैं, ये वीडियो देखने के बाद उनका रिएक्शन हुआ, आप खुद ही देख लो, मैं क्या बताऊँ। तो गाइस, आज के वीडियो का टॉपिक है टॉप 10 लार्जेस्ट एक्वाटिक एनिमल्स। तो शुरू करते हैं, नंबर 10 शुरू करते हैं काउंटडाउन। नंबर 10 पे है ग्रे व्हेल। तो ग्रे व्हेल मेजर करती है 4.9 मीटर यानी कि 16 फीट इन लेंथ, जो कि न्यू बॉर्न्स होते हैं, और एडल्ट जो होते हैं वो 15 मीटर तक बड़े होते हैं। फीमेल्स मेल से ज़्यादा बड़ी होती है। इनका वेट होता है 40 टन और इनके पास डोर्सल फिन नहीं होता और 12 डोर्सल नकल्स होती हैं। तो इनका टेल इटसेल्फ 3.5 मीटर का होता है। तो गाइस आगे देखते हैं, इनका मास होता है 27,000 केजी एडल्ट में, लेंथ होता है 12 मीटर और साइंटिफिक नेम होता है एस्ट्रीरिचिटस रोबस्टस। तो डाइट होता है ओमनिवोर और ये बच्चे 12 मंथ में पैदा करते हैं। नंबर 9 सेई व्हेल। तो सेई व्हेल का लेंथ होता है 18 मीटर एडल्ट में, मास होता है 20,000 केजी, कंजर्वेशन स्टेटस होता है एंडेंजर्ड और साइंटिफिक नेम होता है बैलेनोपेटेरा बोरिलिस। तो इसका डाइट होता है कार्निवोर और गेस्टेशन पीरियड होता है 11 मंथ। इसका मतलब बच्चे, एक फीमेल बच्चे 11 मंथ में पैदा करती है। तो सेई व्हेल जिस जो है एक बेलीन व्हेल है और ये थर्ड लार्जेस्ट रॉक व्हेल है ब्लू व्हेल के बाद और फिन व्हेल के बाद। ये सारे लगभग सारे ओशंस और एडजॉइनिंग सीज में पाए जाते हैं और ऑफशोर वाटर्स को प्रीफर करती है। ये पोलर और ट्रॉपिकल वाटर्स और सेमी एनक्लोज बॉडीज ऑफ वाटर को अवॉइड करती है और कूल सबटॉरल जो वाटर्स होते हैं उससे माइग्रेट कर जाती है समर में सब ट्रॉपिकल वाटर्स की ओर, और इसका लाइफ स्पैन होता है 70 साल। तो गाइस नंबर 8, और इसके बारे में तो बहुत सारे जानते भी होंगे जो एनिमल प्लैनेट देखते होंगे, ये है हमारी हम्बैक व्हेल। तो हम्बैक व्हेल का मास जो होता है वो था 30,000 केजी और कॉन्जिफ्यूशन स्टेटस लीस्ट कॉन्सर्न है, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं अभी, लाइफ स्पैन है 50 साल और साइंटिफिक नेम है मेगाटेरा नोवेंजिलिस। तो डाइट है इसका कार्निवोर और फीमेल होती है 16 मीटर की और मेल 14 मीटर। तो हम बहुत सारे व्हेल्स देखे हैं जो कि उनमें फीमेल मेल से ज़्यादा बड़ी होती है। हम्बैक व्हेल एक स्पीसीज है बेलीन व्हेल की और ये ज़्यादातर साथ साथ रहते हैं। तो ये जो होते हैं ये एक लार्जर रॉकुरल स्पीसीज में है और जिसमें अडल्ट 16 मीटर तक बड़े होते हैं और 30 मेट्रिक टन तक बड़े हुए मतलब वेट करते हैं। और ये इसके मतलब बॉडी शेप है वो बाकी व्हेल से थोड़ा अलग है क्योंकि इसके पास एक बहुत ही बड़े पेक्टोरल फिन्स और एक बहुत सा बड़ा वाला सर होता है। और ये जो मेल्स होते हैं इन स्पीसीज के वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा गाना बनाते हैं 10 से 20 मिनट का और ये उसको रिपीट करते हैं आवर्स और बहुत टाइम के लिए। तो अभी हम आ चलते हैं हमारे 7th नंबर पे। हमारे लिस्ट पे नेक्स्ट है स्पर्म व्हेल। तो एक स्पर्म व्हेल 35,000 से 57,000 किलो तक की हो सकती है, ये 70 साल तक जीती है और इसका कंजर्वेशन स्टेटस है वनरल, मतलब ये बहुत ही कम पाई जाती है और इसका साइंटिफिक नेम है फिस्टर मैक्रोसेफेलस। ये जो स्पर्म व्हेल होती है ना ये शैलोट होती है, जो कि आप फिर शैलोट माफ करना प्रोनाउंसिएशन के लिए, और ये सबसे बड़ी टूथ व्हेल होती है और सबसे बड़ी लार्जेस्ट टूथ प्रेडिएटर भी होती है और ये फिस्टर परिवार की ओनली लिविंग मेंबर है। इस ये और जो पिजमी स्पर्म व्हेल होती है और ड्वार्फ स्पर्म व्हेल वो जेनस कोगिया से बिलोंग करते हैं। इनमें बड़े 20.7 मीटर तक होते हैं और 80 टन तक वेट करते हैं। तो नंबर 6
नॉर्थ अटलांटिक व्हेल्स। इनका कंजर्वेशन स्टेटस है एंडेंजर्ड। साइंटिफिक नेम है यूबालीना ग्लैसियलिस। ये 70,000 किलो तक वेट करती है, लेंथ होता है 14 मीटर और डाइट होता है कार्निवोरस। इनका हायर क्लासिफिकेशन है राइट व्हेल। तो गाइस ये जो नॉर्थ अटलांटिक राइट व्हेल होती है ये बलीन व्हेल्स की फैमिली को बिलोंग करती है और ये कार्निवोर होती है डाइट में। तो गाइस ये जो स्पीसीज होती है ये बहुत ही बड़ी होती है और इसीलिए ये हमारे मतलब लिस्ट में जगह बना पाए। तो अभी आप सोच रहे हो कि सारे के सारे क्या व्हेल्स ही होते हैं? तो हाँ गाइस सारे के सारे बड़े स्पीसीज अभी व्हेल्स ही हैं लार्जेस्ट, और ये अभी समंदर पर हुकूमत करते हैं लार्जेस्ट की। तो अभी काउंटडाउन कंटिन्यू करते हैं। नंबर 5 बो हेड व्हेल। तो इसका नाम से ही पता चलता है इसका सर बो की तरह होता है। इसको कहते हैं बलेना मिस्टिसेटस। ये जो स्पीसीज है बलेन व्हेल की है और बलेनीडे जेनस फैमिली को बिलोंग करती है। तो ये एंडेमिक है, एंडेमिक का मतलब है वहीं पर मिलती है आर्टिक और सब आर्टिक वेटर्स को। और ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए इसका नाम पड़ा है बो हेड, क्योंकि इसका जो हेड होता है वो एकदम मैसिक ट्रायंगुलर स्कल होता है, एक बहुत ही बड़ा ट्रायंगुलर का हेड। तो ये ग्रीनलैंड व्हेल और आर्कटिक व्हेल भी कहा जाता है, और आपने कभी सुना भी होगा कि ग्रीनलैंड व्हेल ये वही है। तो गाइस ये जो है ये एक बहुत ही बड़ी रोबस्ट और काली कलर की व्हेल होती है, और इसके जो मतलब लोअर जो होता है वो काला कलर का होता है। तो ये इसके पास एक मैसिव ट्रायंगुलर स्कल है जैसे कि मैंने बताया, और व्हेल हंटर्स भी इनको रिपोर्ट करते हैं कि बो व्हेल मतलब पानी से बाहर आ जाती है और 60 सेंटीमीटर तक बाहर आ जाती है आइस की। तो इसके पास एक बहुत ही बड़ा वाला लोअर जो होता है और एक छोटा सा अपर जो होता है, छोटा तो नहीं बहुत ही मतलब नैरो सा होता है, और इसके पास। नंबर 4 फिन व्हेल। तो ये जो फिन व्हेल होती है इसका वेट होता है 48,000 किलो, लेंथ होता है 20 मीटर, डाइट होता है कार्निवोरस, और ये जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है बैलिनोटेरा फिसालस। और ये बच्चे को पैदा करने का जो इसका समय होता है वो होता है 11 मंथ का। तो ये जो फिन व्हेल होती है इसे मतलब फिन बैक व्हेल भी कहा जाता है, और इसको फॉर्मली इसके नाम जो होता था वो था जो हेरिंग व्हेल, और ये भी एक बर्लिन परिवार की भी व्हेल है, और ये है सेकेंड लार्जेस्ट स्पीसीज ऑन अर्थ आफ्टर द ब्लू व्हेल। मतलब बर्लिन व्हेल्स के बारे में, पूरे पृथ्वी के बारे में नहीं कह रहा, ये बर्लिन व्हेल्स में सेकेंड लार्जेस्ट है। तो इसका जो लार्जेस्ट रिपोर्टेड था वो था 27 मीटर 27 मीटर, और इसका मैक्सिमम कन्फर्म वेट है सॉरी लेंथ है 25.9 मीटर। तो इसका जो मैक्सिमम वेट आज तक रिकॉर्ड किया गया है वो है 74 टन्स। तो अब हम पहुंच गए हैं हमारे गोल्डन 3 में। तो देखते हैं हमारे गोल्डन 3 में कौन जगह बना पाता है। नंबर 3 द साउदर्न राइट व्हेल। ये जो साउदर्न राइट व्हेल होती है इनका कंजर्वेशन स्टेटस है लिस्ट कॉन्शन मास से 23,000 केजी, लेंथ है 14 मीटर और बच्चे पैदा करने का समय है 12 मंथ। इनका साइंटिफिक नेम है यूबालेना ऑस्ट्रालिस और खाने का डाइट है कार्निवोर। ये जो साउदर्न राइट व्हेल होती है ये एक बलीन व्हेल है और 3 स्पीसीज में से राइट व्हेल की एक है, और अभी जितना हमारे अप्रोक्सीमेटली अभी 10,000 साउदर्न राइट व्हेल पूरे साउदर्न हेमिस्फीयर पे मतलब घूम रही है,
तो अभी आप समझ गए होंगे इसका नाम ऑस्ट्रेलिया से जुड़ता हुआ क्यों लगा, क्योंकि ये सदर हेमिस्फीयर पे पाई जाती है और ओशिनिया वहाँ का एक ही कंटिनेंट है। नंबर 2, नॉर्थ पैसिफिक राइट व्हेल। तो इसका जो कंजर्वेशन स्टेटस है वो एंडेंजर्ड है और मास है 80,000 kg, लाइफ स्पैन है फीमेल का जो है 70 ईयर्स, और साइंटिफिक नेम है यूबलिना जापोनिका, और फैमिली है बालेएंडिए। तो इसका जो लेंथ है वो है फीमेल में 15 मीटर और मेल में 13 मीटर। तो गाइस नॉर्थ पैसिफिक व्हेल के बारे में मुझे कुछ खास तो मतलब नहीं मिला, तो ये जो होती है ये बहुत ही बड़ी थिक सेट बलिन व्हेल होती है और ये बहुत ही रेयर होती है और एंडेंजर्ड होती है। तो मैं इसके बारे में जैसे बोला कि मैंने बहुत ही ज़्यादा रिसर्च की, पर मेरे को कुछ भी नहीं मिला खास जो मैं आपको बता सकूँ। तो हम पहुंच गए हैं हमारे नंबर 1 पे, तो ये है ब्लू व्हेल। तो ब्लू व्हेल आपको जैसे पता है कि इससे बड़ा अभी तक कोई भी नहीं था, कोई डायनासोर भी इससे ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसका मास से 1,50,000 किलो, लाइफ स्पैन है 90 मीटर, कंजर्वेशन स्टेटस एंडेंजर्ड में है पर अभी भी पॉपुलेशन बढ़ रहा है। इनका डाइट है कार्निवोर्स और साइंटिफिक नेम है बालेएंटोरा मस्कुलस, और इनका बच्चा पैदा करने का है 12 मंथ्स 1 साल, और फीमेल होती है 25 मीटर के और मेल होते हैं 24 मीटर। तो ये एवरेज वेट है, इससे भी बड़े हो सकते हैं। तो ये जो ब्लू व्हेल होती है वो एक मैरिन मैमल है और ये बलीन व्हेल के सबऑर्डर मिस्टिसेटी में पाई जाती है। इनका मैक्सिमम कंफर्म वेट लेंथ है 29.9 मीटर और वेट है 173 टन्स। जैसे कि मैंने आपको बताया ये है द लार्जेस्ट एनिमल नोन टू हैव एवर एग्जिस्ट, ये सबसे बड़ी वाली है और इससे बड़ा कोई डायनासोर भी नहीं था। तो अब हम बधाई देते हैं हमारे विनर को टॉप 10 लिस्ट में। तो गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब मैं बोलता नहीं मतलब कर लेना है, और मैंने देखा कि 50% सब्सक्राइब करते हैं 50% नहीं, ये मतलब ड्रॉप हुआ है बहुत। मतलब मैंने देखा पहले था 97% जो कि सब्सक्राइब नहीं करते, बीच में तो 100% भी हो गया था। तो गाइस सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।